मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके और मैं जो डिश बनाऊँ उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा डिज़र्ट। और ये डिज़र्ट मैं बनाने वाली हूँ क्रीम केक कॉकटेल डिज़र्ट, जो शादियों में होता है उस थोड़ा वैसा भी होगा, थोड़ा इसमें केक होगा, इसमें डिफरेंट चीज़ें होगी, बहुत मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है केक, ये मैंने स्ट्रॉबेरी टी केक लिया है। इसकी रेसिपी मसारा किचन के चैनल पे मैं दे चुकी हूँ किस तरीके से बिना ओवन के पतीले में इसे बनाया जा सकता है घर पे आसानी से। ये पिंक पिंक सा हो रहा है तो ये मैंने वही लिया हुआ है। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया है इस पॉट में, मैं इस बॉल में ये बनाऊंगी ट्रैफल, तो इसमें मैंने इसको अरेंज कर लिया है केक को। साथ ही यहाँ पे दो प्याले मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी, इसको मैंने यहाँ पे व्हिप कर ली है। मैं कौन सी व्हिपिंग क्रीम लेती हूँ और उसे किस तरीके से रेडी करती हूँ इसकी कंप्लीट वीडियो मसारा किचन के ही चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक दे दूँगी, स्ट्रॉबेरी टी केक का भी मैं लिंक दे दूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने फ्रेश मिल्क लिया हुआ है जो कि फुल फैट फ्रेश मिल्क है। 8 केले जिन्हें मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। 4 खाने का चम्मच चीनी, 2 खाने का चम्मच मैंने लिया हुआ है कस्टर्ड पाउडर जो कि है पिस्ता फ्लेवर का। जब कस्टर्ड रेडी होगा तो वो लाइट ग्रीन कलर का कस्टर्ड रेडी होगा, नीचे बेस जो है लाइट पिंक कलर की होगी और ऊपर जो क्रीम है वो वाइट कलर की होगी और उस पर हम करेंगे अपना डेकोरेशन। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक कॉकटेल रेडी कर लिया है जिसमें 1/2 कप जो है अंगूर लिए हैं, 1 बड़ा सेब मैंने कट कर लिया है और 1 छोटी टीन मैंने कॉकटेल जो मिक्स कॉकटेल होता है वो मैंने 1 टीन ले लिया है। तो सब तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स करके रखा हुआ है। इसके साथ ही कॉकटेल टीन का जो सिरप था वो सिरप मैंने जो तकरीबन 1/2 कप सिरप निकला है तो वो सिरप मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉकलेट बीट्स जो कि 2 टेबल स्पून के करीब चॉकलेट बीट्स सीड्स जो होते हैं वो मैंने लिए हुए। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं किस तरीके से बनाना है ये मज़ेदार सा ट्रैफल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टर्ड पेस्ट रेडी कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर जो कि पिस्ता फ्लेवर का। अगर आप चाहें वनीला में बनाना तो वनीला फ्लेवर का ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इसको थोड़ा कलरफुल बनाना था इस डेजर्ट को तो इसीलिए मैंने पिस्ता फ्लेवर का ले लिया और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसलिए बस मैं इतना मिल्क ऐड करूँगी जिससे एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी हो जाए। स्मूथी सा अच्छा सा कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी दोस्त चलते हैं किस तरीके से इसका कस्टर्ड रेडी करना है। पैन में मैं ऐड करूंगी यहाँ पे फ्रेश मिल्क, साथ ही इसमें जाएगी यहाँ पे चीनी और इसको डाल के मैं इतनी देर कुक करूंगी ताकि चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरीके से घुल जाए। अच्छी तरीके से ट्रैफल में जो है मिक्स हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसको डालते जाऊँगी और इसे विस्क से इसे मिक्स करते जाऊँगी और यहाँ पर एक अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड रेडी कर लूँगी। ग्रीन कलर का पिस्ता कस्टर्ड जो है पिस्ता फ्लेवर का थिक सा रेडी हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को किया है ऑफ और अब इसको रखती हूँ मैं ठंडा होने। कस्टर्ड जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा थिक सा कस्टर्ड यहाँ पे रेडी हुआ है। अभी स्पैचुला का काम होता है ख़त्म, इसको सॉरी विस्क का काम होता है ख़त्म, इसको मैं करती हूँ साइड पर, शुरू होता है स्पैचुला का काम। तो चलिए जी कस्टर्ड में मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने एक फ्रूट कॉकटेल अपना रेडी करके रखा हुआ था इसको मैं फिर बता देती हूँ। इसमें 1/2 कप मैंने अंगूर डाले थे, 1 बड़ा सेब लिया था और 1 छोटा कैन जो है मिक्स कॉकटेल का मैंने वो लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़े से फ्रूट्स जो है वो मैंने डेकोरेशन के लिए अलग कर लिए हैं और बाकी जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें यहाँ पर मैंने 8 अदद केले लिए थे जिन्हें थोड़े मोटे मोटे मैंने कट कर लिए थे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरीके से इसे कस्टर्ड में जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ और मेक श्योर कर लेती हूँ कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तमाम फ्रूट में कस्टर्ड मिक्स हो चुका है, अभी इसको करती हूँ साइड पे और बीच में ले आती हूँ ये अपना बॉल जिसमें मुझे ये ट्रैफल जो है ये रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे 1/2 कप जो मैंने जूस रखा हुआ था उसको जो है केक पे मैं ऐड कर देती हूँ ताकि हम जब ये ट्रैफल खाएं तो हमारा केक जो है वो बहुत ही जूसी जूसी सा आए तो बहुत मज़ेदार लगता है। चलिए ये जूस इसमें ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने मिक्स करके फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट्स रखे थे इन तमाम को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको जो है इसमें अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। ये देखें चलिए जी सेट हो गया। अब यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ, उसको मैंने फ्रिज में रख दी थी। इसको इसमें स्प्रेड कर देते हैं और इसको सूरज सा अभी इसको पूरी एक लेयर जो है व्हिपिंग क्रीम की इसमें लगा देते हैं।
तेजदार सा ट्रैफल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, तकरीबन इसको मैं रखूंगी 6 to 8 hours के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। 6 to 8 hours हो चुके हैं, मज़ेदार सा ट्रैफल ठंडा यमी बहुत टेस्टी लग रहा है, ठंडा हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।